हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, थर्मल इंजीनियरिंग को हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस सब्जेक्ट का एक टॉपिक है लोकोमोटिव बॉयलर, उसको आज मैं समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स, जिसमें इसकी हम डेफिनेशन समझाऊंगा, इसकी वर्किंग समझाऊंगा तथा इसके हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा जिससे आप इसको अच्छे से समझ सके। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं लंकीशायर बॉयलर और जो बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर है उन दोनों के वीडियो डाल चुका हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दिए, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। जैसा कि फ्रेंड्स सामने टॉपिक लिखा लोकोमोटिव बॉयलर, तो यहाँ सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए बॉयलर क्या होता है और उसका यूज क्या है। तो फ्रेंड्स, बॉयलर का यूज होता है स्टीम को जनरेट करने के लिए। स्टीम मीन्स होता है जो हम वाटर को गर्म करते हैं उससे जो हमारी भाप जनरेट होती है। लेकिन फ्रेंड्स, नॉर्मल भी हम वाटर गर्म करते हैं उससे भी हमारी स्टीम जनरेट होती है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता। यहाँ बॉयलर का यूज करते हैं पर्टिकुलर किसी ना किसी काम के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम इस स्टीम का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें जो स्टीम जनरेट होगी वह एक हाई प्रेशर की स्टीम होनी चाहिए, जिससे हम उसको उससे जो टरबाइन होते हैं उसको मूव करा सकें और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स अदर इंडस्ट्रीज पर्पज से भी हम स्टीम का यूज करते हैं जहां पर बॉयलर का यूज करते हैं। बॉयलर का यूज वहीं पर करते हैं फ्रेंड्स जहां मिनिमम कम से कम 10 bar की स्टीम की जरूरत हो, मतलब जिसका प्रेशर लगभग 10 bar की रिक्वायरमेंट हो, वहां पर हम बॉयलर का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन का समझाने का जो तरीका होता है फ्रेंड्स, या लिखने का जो तरीका होता है, वह इसके टाइप्स के आधार पर लिखते हैं और स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी के आधार पर तथा इसके प्रेशर के आधार पर। तो उसको मैं समझा रहा हूँ फ्रेंड, ध्यान से सुने। जैसा कि यहाँ पर लिखा है हॉरिजॉन्टल ड्रम एक्सिस, तो इस बॉयलर को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल ड्रम एक्सिस बॉयलर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रेंड जो ड्रम यूज किया जाता है, यहाँ पर जो ड्रम लगा रहता है सिलिंड्रिकल ड्रम रहता है, मतलब गोलाकार ड्रम रहता है जिसकी पोजीशन कैसी रहती है? हॉरिजॉन्टल रहती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल ड्रम एक्सिस बॉयलर। अब इसके बाद इसको बोलते हैं फ्रेंड्स मल्टी ट्यूबलर। क्या बोलते हैं? मल्टी ट्यूबलर का मतलब होता है फ्रेंड्स जो यहाँ ट्यूब्स यूज किया जाते हैं जिसके अंदर से हॉट गैसेस पास होती हैं, वह दो से अधिक यूज किया जाती है। कितनी? दो से अधिक यूज की जाती हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी ट्यूबलर बॉयलर। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल बॉयलर। क्या लिखा फ्रेंड्स? आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। क्या लिखा? आर्टिफिशियल ड्राफ्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर जो चिमनी के थ्रू धुआं निकलता है वह किसके थ्रू? एक फोर्स के थ्रू निकलता, मतलब एक फैन की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम इसको निकाल सकें। फैन की जगह यहाँ पर जो ब्लास्ट पाइप दिख रहा है ना, ब्लास्ट पाइप, ये लिखा ब्लास्ट पाइप, ये ब्लास्ट पाइप का यूज किया जाता है जिसके थ्रू हम आसानी से इसके धुएं को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्स्ड सर्कुलेशन। जो फोर्स सर्कुलेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो वाटर सर्कुलेट कराया जाता है, वाटर की फीड किया जाता है, वो एक पंप के थ्रू किया जाता है, इसलिए हम इसको फोर्स सर्कुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मीडियम प्रेशर बॉयलर। मीडियम प्रेशर का मतलब होता है फ्रेंड्स एक स्टीम की रेंज होती है, जहाँ लो प्रेशर बोलते हैं फ्रेंड्स जहाँ 8 से लगभग 20 bar तक हम जहां पर प्रेशर यूज करते हैं उसे बोलते हैं फ्रेंड्स लो प्रेशर। 22 bar से 39 bar तक हम यूज करते हैं किसी बॉयलर को, उसको बोलते हैं मीडियम प्रेशर बॉयलर। उसके ऊपर जो यूज करते हैं उसे हाई प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स फायर ट्यूब बॉयलर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब होता है फ्रेंड्स जो हम इसमें ट्यूब यूज कर रहे हैं उसके अंदर से हमारी जो हॉट गैसेस है वह सर्कुलेट होंगी। किसके अंदर से? ट्यूब के अंदर से हॉट गैसेस सर्कुलेट होंगी, जबकि ट्यूब्स के बाहर क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट बोलते हैं इंटरनली फायर बॉयलर। इंटरनली फायर बॉयलर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा बॉयलर है उसके अंदर हम इसको फायर करते हैं, मतलब फायर का मतलब होता है कोयले को जलाना, कोयले को जलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या होता है? या एक पोर्टेबल बॉयलर होता है। क्या होता है? पोर्टेबल मतलब होता है फ्रेंड्स ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक कैसे ले जाते हैं? क्योंकि इसका यूज सबसे ज्यादा जो पुराने हमारे रेल यूज चलती थी वो हमारे लोकोमोटिव बॉयलर के थ्रू चलती थी। क्यों? उसमें लोकोमोटिव बॉयलर क्यों यूज किया जाता था? क्योंकि उसकी स्टीम के थ्रू हमारा जो भी हमारी ट्रेन चलती थी। ठीक है फ्रेंड्स, कोयला जलता था, जैसे आप देख रहे हैं हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, इस तरह की रेलें होती थी, पुरानी का मॉडल है, ऐसे कोयला भरा रहता है। यहाँ पर क्या होता है? कोयले जलता था जिसमें फाइनेंस रहती थी, उसके थ्रू जो स्टीम जनरेट होती थी, अंदर पूरा सिस्टम रहता, उसके थ्रू स्टीम के थ्रू हमारा इंजन जलता था। यहाँ केवल रहता ड्राइवर का, इसमें पूरा जो हमारा आईसी इंजन का सिस्टम होता हुआ मैं आगे बताने वाला हूँ, जिससे पिस्टन मूव होती थी, क्रैंकशाफ्ट मूव होती थी, उसके थ्रू हमारे इसके व्हील्स मूव होते थे और हमारी गाड़ी चलती थी। अब इसकी जो कैपेसिटी रहती फ्रेंड्स वो होती लगभग 27,500 kg पर आवर्स, मतलब 1 घंटे में इतनी स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी। इसका जो मैक्सिमम प्रेशर का जो यूज करते हैं वो 23 bar तक करते हैं।
ये तो फ्रेंड्स डेफिनेशन की बात थी। अब हम इसकी डायग्राम को, ये डायग्राम दिख रहा है, इसको एग्जाम में बनाना है आपको, तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा वर्किंग की जगह। लेकिन पहले मैं एक ऐसा डायग्राम बता दूं इससे हर एक पार्ट को एक्सप्लेन कर सकूंगा। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम दिख रहा है, इसके हर एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसका यूज बताता हूँ। सबसे पहले हम यहां से यूज करते हैं फ्रेंड्स, ये लिखा फायर ब्रिक आर्क। क्या होता है फायर ब्रिक आर्क? यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होती है, ग्रिड होती, ग्रिड होती, ग्रिड पे क्या होता, कोयला जलता है। क्या होता, एक स्टैंड होता है जिसपे कोयले को जलाया जाता है। जब कोयला जलता है तो उसकी क्या होती है, जो हमारी हॉट गैसेस निकलती है उस डायरेक्ट कहाँ टकराती है, फायर ब्रिक्स आर्क दिख रहा है, इससे टकराती है। जब यहाँ से टकराने के बाद वह अपने सही रास्ते पे जाती है। ये फ्रेंड्स इसके बाद सेकेंडरी एयर होता है, यहाँ पर जो स्पेस रहता है या फिर हम फायर हॉल बोलते हैं इसको। यहाँ से एयर भी आती है और फ्रेंड्स फायर हॉल होता है मतलब जहां से हम इस कोयला है उसको जला सके, इग्नाइट कर सके। इसके अलावा ये पूरा फायर बॉक्स रहता है जिसके अंदर से जो मैंने क्रियाएं बताई, क्या होता है यहाँ ग्रिड रहती है, इस पर कोयला जलता है, ये फायर ब्रिक आर्क रहता है, इससे हमारी जो हॉट गैसेस निकल के इससे टकराने के बाद फिर सही रास्ते पे जाती है, या फायर हॉल रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्या होती है, ये पूरा बॉयलर रहता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब्स रहती है यहाँ पर, और ये रहती है लॉन्ग ट्यूब्स। लॉन्ग ट्यूब्स क्यों बोलते हैं, यहाँ लंबी दूरी पर लगी जाती है। ट्यूब्स क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर फायर ट्यूब यूज करते हैं। फायर ट्यूब मतलब होता है ट्यूब्स के अंदर से हमारी जो हॉट गैसेस आ रही है वह ट्यूब्स के अंदर से निकलती है, जबकि इसके आसपास क्या भरा रहता है, वाटर भरा रहता है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर चिमनी रहती है जिसके थ्रू क्या धुआं बाहर निकलता है, जो हमारी वेस्टेज गैसेस रहती है। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर एक क्या लगा रहता है, जो हमारा सुपर हीटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, सुपर हीटर। सुपर हीटर का काम होता है कि स्टीम जनरेट होने के बाद सुपर हीटर से गुजारी जाती है, जिससे कि वह उसका टेम्परेचर हाई हो सके और उसमें जो वाटर के पार्टिकल्स मौजूद है वह खत्म हो सके। अब बात करते हैं, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है फ्रेंड्स, एक ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। यहाँ पर एक क्या होता है, स्टीम ऊपर जो स्टीम जनरेट होती हुआ है, कहाँ, ये हमारे जो हमारा बॉयलर रहता है जिसे बोलते हैं, एक पूरा ड्रम रहता है, उसके ऊपर साइड में क्या होती है, ग्रीन ग्रीन दिख रही है, स्टीम यहाँ पर जमा हो जाती है। यहाँ पर क्या लग रहा है, डोम लग रहा था। क्या बोलते हैं इसको, डोम बोलते हैं। डोम होते हैं जहाँ पर स्टीम जनरेट मतलब जो जनरेट होने के बाद जमा हो जाती है। ठीक है, वहां पर एक क्या होता है, रेगुलेटर बल्ब लगा रहता है। क्या लगा रहता है फ्रेंड्स, रेगुलेटर बल्ब। जब हमें स्टीम को रिलीज करना होता है तो यहाँ से रिलीज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम कहाँ भेजते हैं, डायरेक्ट पहले सुपर हीटर में भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, सुपर हीटर में भेजते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। सेफ्टी बॉल्ब होता है, सेफ्टी बॉल्ब मतलब जब हमारा प्रेशर हाई हो जाता है, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि बॉयलर के फटने का डर रहता है, तो हम इससे क्या कुछ करते हैं, जो हमारी स्टीम है उसको रिलीज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सुपर हीटर एलिमेंट्स है मतलब ये उसके जो हमारी पाइप्स रहती है, सुपर हीटर की जो हमारी लाइन्स रहती है वह है, जहाँ पर हीटर की जो बोलते हैं वायर से बनता है, इस टाइप के वायर रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं स्टीम पाइप। स्टीम पाइप मतलब इसके थ्रू स्टीम कहाँ आती है, सीधा हमारी सिलेंडर पिस्टन का कॉम्बिनेशन होता है, जो यहाँ से सुपर हीटर के बाद आती है। याद रखें, कहाँ, सुपर हीट होने के बाद फिर हमारी स्टीम पाइप में आती है। वो कहाँ जाती है, नीचे पिस्टन लगी रहती है, एक सिलेंडर रहता है, क्रैंकशाफ्ट रहती है, सब कुछ पूरा मूवमेंट होता है, जिस तरह हमारी गाड़ी चलती है, जो मैंने आईसी इंजन में समझाया था उसी तरह ही पूरा पिस्टन का, क्रैंकशाफ्ट का, सिलेंडर का, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, जिसमें स्टीम के थ्रू हमारी पिस्टन क्या होती है, मूव होती है आगे पीछे। दिख रही है ना, यहाँ पर एरो दिख रहा है, इस पुश डालेगा पिस्टन आगे जाएगी और पीछे इस तरह मूव करेगी। ये स्मोक बॉक्स होता है, स्मोक बॉक्स मीन्स होता है फ्रेंड जो जली हुई गैसें यहाँ पर आती है, वेस्टेज गैसें। ब्लास्ट पाइप की बात करें, ये ब्लास्ट पाइप होता है। ब्लास्ट पाइप क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से जब गैसें यूज होने के बाद जब वेस्ट हो जाती है, फिर डायरेक्ट ब्लास्ट पाइप में आती है। ब्लास्ट पाइप फोर्स के थ्रू क्या करता है, चिमनी के से बाहर निकाल देता है। ये फ्रेंड्स इसके पार्ट्स थे, आपको समझ में आएगा। अब मैं इसकी वर्किंग समझाता हूँ, एक बार यहीं से समझा देता हूँ, फिर मैं दूसरे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, जो आपको इसको भी एग्जाम में बना सकते हैं अगर आपको समझ में आएगा तो। इससे सिंपल डायग्राम है इसलिए मैं बताता हूँ कि उसको एग्जाम में बनाए, क्योंकि बहुत सिंपल डायग्राम है। सबसे पहले याद रखें, यहाँ पर हमारा जो कोयला रहता है उसको हम जलाते हैं, कहाँ से, फायर बॉक्स वॉल से। फायर बॉक्स जैसे जलने लगता है तो उससे जो हॉट गैसेस निकलती है वो सबसे पहले किससे टकराती है, फायर ब्रिक आर्क से टकराते हैं। यहाँ से टकराने के बाद वो एक पर्टिकुलर रास्ता पकड़ लेती है और सीधी कहाँ आती है, जो हमारी लॉन्ग ट्यूब्स रहती है उसके अंदर आती है। फ्रेंड्स लॉन्ग ट्यूब्स के अंदर सीधी अपनी जो भी है यहाँ से यहाँ तक क्या करती है, ट्रेवल करती है। उस दौरान क्या होता है फ्रेंड्स, ये वाटर दिख रहा है यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन कलर में, वह किसके अंदर जो ट्यूब्स रहती है उसके आसपास सर्कुलेट हो रहा है, वो ट्यूब्स के कॉन्टेक्ट में आता है, गर्म होता है, वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। जो स्टीम कन्वर्ट होती है वो कहाँ, ऊपर की साइड जमने लगती है, कहाँ, यहाँ पर ऊपर की साइड जमने लगती है। अब क्या होता है, यहाँ से फ्रेंड्स क्या होती है, जो हॉट गैसेस है निकलती है, कहाँ से, जो बीच में क्या लगा रहता है, सुपर हीटर लगा रहता है, उसके पास भी जाती है, जिससे क्या, इसी जो वेस्टेज गैसेस है इसी का यूज करके सुपर हीटर गर्म हो सके, इसी हीट के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर जब स्टीम जमा हो जाती है फ्रेंड्स, फिर जो डोम में, जिससे क्या बोलते हैं डोम, यहाँ रेगुलेटर लगा रहता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जब हमें यूज करना होता है स्टीम को रिलीज करते हैं। स्टीम सबसे पहले कहाँ जाती है, हमारा हीटर लगा उसके अंदर जाती है।
क्या लगा, सुपर हीटर लगा। इस तरह देख रहा है, ये रास्ता ये दिख रहा है, जो एयर दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये एयर कहाँ इस तरह आ रही है, फिर यहां से सुपर हीटेड होने के बाद फिर वापस होती है। वापस होने के लिए एरो दिख रहे होंगे, फिर से यहाँ एरो दिख रहा है, ये रिटर्न होते हैं। रिटर्न होने के बाद सीधे जो हमारा स्टीम पाइप लिखा, इस पाइप के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स ये एरो से समझ में आ रहा होगा कि पहली स्टीम कहाँ थी, इस डायरेक्शन में मूव होती है, यहाँ से फिर रिटर्न होती है, जो सीधी कहाँ से ये जो स्टीम पाइप दिख रहा है उसके होते हुए कहाँ जाती है, सीधी इंजन के अंदर जाती है। इंजन के अंदर क्या करती है, पिस्टन को मूव कराने का काम करती है। जैसे ये इनकी जो हॉट गैसेस है उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वो क्या होती है, धुएं के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बाहर निकलने का सबसे अच्छा अंतर है इसमें ब्लास्ट पाइप यूज करते हैं, जो कि इसमें इसको आसानी से बाहर निकाल लेता है डायरेक्ट कहाँ, चिमनी के थ्रू। स्मोक बॉक्स बता चुका हूँ फ्रेंड्स, सिलेंडर पिस्टन का कॉम्बिनेशन होता है। तो वर्किंग समझ में आएगी, एक बार और बता रहा हूं मैं, जो कि सबसे सिंपल डायग्राम है जो आपको एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, सबसे सिंपल डायग्राम है, इसको आसानी से आप एग्जाम में बना सकते हैं। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे, जो वो डायग्राम था उसको भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें नॉर्मल, यहाँ पर क्या है, जो हमारी क्या रहती है, ग्रिड रहती है जी, क्या रहती है यहाँ पर, राख गर्त लिखा जाए, यहाँ पर क्या रहती है, अष्टपीठ रहती है। अष्टपीठ रहती है जहां पर क्या होती है, जो हमारी कोयला जलता है उसकी जो राख निकलती है वहां कहा अष्टपीठ पे यहाँ पर आके जमा होती है, जिसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है ग्रिड होती है जहां पर कोयला जलता है, जैसे हमने कहा यहाँ से टकराती, कहा दिख रहा है ये फायर आर्क होता है वहां पर टकराती है और सीधी एक पर्टिकुलर रास्ता पकड़ लेती है, पर्टिकुलर रास्ता पकड़ती है, यहाँ फायर होल रहता है जहां से हम इसको जला सकते हैं। ये पर्टिकुलर रास्ता पकड़ रही, मतलब यहाँ बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई है, क्या ट्यूब्स के अंदर से गुजर रही है, क्योंकि ये कौन सा किस टाइप का बॉयलर होता है, फायर ट्यूब बॉयलर, तो ट्यूब के अंदर से गुजरती है, जबकि डॉट डॉट दिख रहा है ये सब क्या है, वाटर है जो कि ट्यूब्स के कॉन्टेक्ट में आता है और उससे गर्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सीधी आगे की ओर चलती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा ये तीन लाइन देख रहे हैं, ये क्या लगा रहता है, हमारा सुपर हीटर लगा रहता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं, ये जब इसको गर्म, पाइप को गर्म करने के बाद बाहर गैसे आती, तो उसी का यूज क्या करता है, सुपर हीटर को गर्म करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसी रास्ते में लगी जाती है। ऊपर एक डोम रहता फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है, जहां पर क्या होती है, पूरी हमारी स्टीम जो जनरेट होती है वह जमा होती रहती है। यहाँ एक रेगुलेटर लगा रहता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टीम को रिलीज कर सकते हैं। जो स्टीम रिलीज होकर डायरेक्ट कहाँ जाती है, किसके अंदर से गुजरती है, सुपर हीटर के अंदर से, सुपर हीटर के अंदर से गुजरेगी, उसके थ्रू फिर कहाँ जाएगी, स्टीम ब्लास्ट पाइप में जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद सीधी कहाँ जाती है, जो अभी मैंने बताया इंजन वगैरह में जाती है, उस सबको आप बना सकते हैं, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, हमें नॉर्मल इस तरह का डायग्राम बनाना पड़ता है एग्जाम में। इसके जो भी पार्ट्स देखिए, जो मैंने समझाया वो आपको समझाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।